हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे विटर कंपनी की टेक्नोलॉजी के बारे में। हवा से बिजली कैसे बनेगी, किस तरह से ये हवा से होने वाले जो साउंड पोल्यूशन है उसको रोकेंगे, किस तरह से बिजली स्टोर की जाएगी, अगर टर्बाइन्स में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, क्या सभी कंप्लीट टर्बाइन्स को रोका जाएगा, और क्या ये टेक्नोलॉजी है बिजली कैसे बनाएगी, हवा कैसे पास होगी, हवा से टर्बाइन्स कैसे घूमेंगे, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं हूँ इस समय विटर कंपनी के हेड ऑफिस दुबई में, और दुबई से मैं आप सभी के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, दुबई में tennisjavelin.com ये विटर कंपनी का हेड ऑफिस है, और मैं आज आपको यहाँ से इस कंपनी की जानकारी दे रहा हूँ। तो जानकारी ध्यान से लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, ये हमारा फ्यूचर है। आप सभी को पता है फ्यूचर में हवा से ही बिजली बनेगी, कोयले और पानी की जब शॉर्टेज हो जाएगी तो हवा से बिजली याद आएगी लोगों को, और ये एक ऐसी बिजली है जो जो है रेजिडेंशियल फ्लैट, ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, कॉरपोरेट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट, कहीं पर भी ये रियल एस्टेट अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये उसको क्या बना रहे हैं। तो दोस्तों एक्चुअली रियल में ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये देखिए दोस्तों, जैसे इस तरह से ये तीन चार बिल्डिंग बनाई गई हैं, चार बिल्डिंग्स के बीच में ये जो टर्बाइन्स लगाई गई हैं, ये टर्बाइन्स को देखिए आप, ये टर्बाइन्स हवा के प्रेशर से घूमेंगी। हवा के प्रेशर से कैसे घूमेगी, दो बिल्डिंग के बीच में से जब हवा गुजरती है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उसके प्रेशर से ये घूमेंगी, और इसके लिए बहुत ही स्लो हवा भी चल रही हो, 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भी हवा चल रही हो तो ये टर्बाइन्स घूमती हैं। तो दोस्तों जब ये टर्बाइन्स घूमती हैं तो यहाँ पर नीचे है जनरेटर, यहाँ पर नीचे जनरेटर है, ये जनरेटर में से घूमने से यहाँ पर चुंबक होती हैं, और उस चुंबक के घूमने से आप सभी को पता है बिजली बनती है, और ये बिजली डायरेक्टली इन सभी रेजिडेंशियल फ्लैट्स या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल, कुछ भी ये हो सकता है, वहाँ पर डायरेक्टली ये जो है पहुँचाई जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कभी हवा ना चले या फिर कभी तेज चले तो क्या होगा, ऊपर तेज चलती है, नीचे तेज चल रही है, या फिर मिनिमम हाइट क्या हो सकती है। दोस्तों इस बिल्डिंग की मिनिमम हाइट 100 मीटर तो होगी ही होगी, क्योंकि साइंटिफिक रीजन है, 90 मीटर से ऊपर हवा रहती ही रहती है, और ऐसा अगर 90 मीटर से ऊपर हवा नहीं होगी तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए इस ये जो बिल्डिंग जो बनाई जाएंगी वीटर प्रोजेक्ट की, उनकी मिनिमम हाइट 100 मीटर तो जरूर होगी। 100 मीटर मतलब 30 से 35 फ्लोर आप लगा सकते हैं, इंडिया के फ्लोर के हिसाब से अगर देखा जाए 30 से 35 फ्लोर के आसपास की ये मिनिमम बिल्डिंग हाइट इनकी होने वाली है। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी हवा ऊपर तेज चलेगी, कभी नीचे चलेगी, कभी कहीं नहीं चलेगी, जैसे नीचे नहीं चल रही ऊपर चल रही है, तो ये जो टर्बाइन्स हैं इनके बीच में ये देखिए डिवाइडर्स हैं, ये देखिए डिवाइडर्स हैं, ये देखिए, इस एक टर्बाइन को अगर मैं रोक दूँ तो बाकी टर्बाइन्स चल रहे हैं। देखो एक टर्बाइन्स को मैंने रोका हुआ है, बाकी टर्बाइन्स नीचे वाले ऊपर वाले चल रहे हैं। तो ये एक्चुअली है क्या, इन टर्बाइन्स में डिवाइडर्स लगे हुए हैं, और 1.5 से 2 फ्लोर, ये आप 2 फ्लोर आप लगा सकते हैं, 2 फ्लोर का ये एक टर्बाइन होगा, इसको इसमें अगर खराबी आई तो इसको मैंने रोक दिया, और ऊपर और नीचे वाले जो टर्बाइन्स हैं वो घूम रहे हैं, इसको रोक कर हम इसको ठीक कर देंगे। कोई भी नॉर्मल इंजीनियर इनको ठीक कर सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी ऊपर अगर तेज हवा चल रही है तो ऊपर वाले टर्बाइन तेज घूमेंगे, नीचे कभी तेज हवा चल रही है तो नीचे वाले टर्बाइन तेज घूमेंगे, बीच में तेज हवा तो बीच वाले घूमेंगे। किसी भी टर्बाइन को आपको रोकना है, कुछ आपको कुछ भी काम करना है तो आप उनको रोक सकते हैं। साउंड पोल्यूशन इनमें नहीं है, एक टेक्नोलॉजी, एक लेयर इनके बीच में, यहाँ पर एक लेयर भी होगी, उस ले वो जो लेयर है वो हवा के प्रेशर से जो है इस तरह से मूव करेगी हल्का फुल्का, तो वो क्या है, वो साउंड पोल्यूशन को रोकेगी, वो भी टेक्नोलॉजी है। ये तो कंपनी को भी पता है दोस्तों, अगर आप कहीं पे रहते हैं, काम करते हैं, या हॉस्पिटल, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन हो तो वो कोई भी वहाँ पर नहीं रहेगा, तो साउंड पोल्यूशन को भी रोका गया है। ये आप देख सकते हैं, एक टर्बाइन को मैं रोकता हूँ तो बाकी टर्बाइन्स मूव कर रहे हैं, इसी तरह से ये डिवाइडर्स इसमें लगे हुए हैं, नीचे चुंबक होती है, बिजली बनती है और डायरेक्टली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब कभी कभी मान लिया ऐसा हुआ हवा नहीं चल रही, 2 दिन 3 दिन हवा नहीं चली, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाएगा, लिथियम आयन बैटरीज जो हैं उनके कंसेप्ट को भी यहाँ पर लाया जा रहा है, और एक हैवी वेट यहाँ पर कुछ मतलब कंपनी ने बोला था कि दो तीन कंसेप्ट उनके पास, हैवी वेट यहाँ पर लटका देंगे, कभी हवा नहीं चलेगी तो उसको नीचे धीरे 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 हम छोड़ेंगे तो उनसे टर्बाइन घूमेंगे, वो भी हो सकता है, लिथियम आयन बैटरीज भी हैं, तो बिजली को स्टोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको स्टोर किया जा सकता है। तो इस तरह से हवा से बिजली बनेगी, इस तरह से बिजली को स्टोर करेंगे। उसके बाद इस कंपनी के शेयर्स,
जब आप इस कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कैसे होने वाला है दोस्तों? जैसे जैसे आप इन जो ये लाइसेंस हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स है, कंपनी बिल्डिंग नहीं बनाएगी, कंपनी का काम बिल्डिंग बनाना नहीं है, वो रियल एस्टेट अथॉरिटी बिल्डिंग बनाएगी। कंपनी का काम है ये जो टर्बाइन्स हैं, ये जो लाइसेंस है, इस लाइसेंस को सेल करना। तो जो रियल एस्टेट अथॉरिटी वो लाइसेंस को परचेज करेंगी, कंपनी ये जो टर्बाइन्स हैं, ये जो लाइसेंस है, ये लगाएगी, और पूरी बिल्डिंग की जो कॉस्ट आएगी उसका 5% कंपनी चार्ज करेगी। 5% दोस्तों, पूरी बिल्डिंग बनाने की जो कॉस्ट होगी उसका 5% कंपनी चार्ज करेगी, और जो भी प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एक सिटी में आपके कितने भी जो ये प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए जा सकते हैं, 1, 2, 5, 10, 15, 20, ऐसा नहीं है कि एक सिटी में एक ही होगा, कितने भी, जैसे एक सिटी में एक बिल्डर कितनी भी बिल्डिंग बना सकता है, उसी तरह से कितने भी प्रोजेक्ट इन प्रोजेक्ट्स को, वीटर प्रोजेक्ट्स को बनाया जा सकता है। जैसे जैसे लाइसेंस सेल होंगे वैसे वैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और हमारा डिविडेंड भी बढ़ेगा। जब कंपनी प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएगी तो कब कंपनी का आईपीओ आएगा, जब कंपनी का आईपीओ आएगा तो शेयर्स की वैल्यू बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि अभी इसकी स्टार्टिंग है, सिर्फ बातचीत होना स्टार्ट हुई है, बहुत ही कम प्राइस में आप इसके शेयर्स को परचेज कर रहे हैं। जैसे जैसे शेयर्स, जैसे जैसे जो है इसके लाइसेंस सेल होंगे, जैसे जैसे इसके बारे में लोगों को पता लगेगा, वैसे वैसे शेयर्स का प्राइस बढ़ता चला जाएगा। अभी भी जैसे $100 में जब हम आए तो हम आए थे, हमने परचेज करना स्टार्ट किया था, 58,000 शेयर्स मिल रहे थे। 21 मार्च को मुझे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 21 मार्च 2023 को, और जब मैंने एंट्री की थी तो $100 में 58,000 शेयर मिल रहे थे। अभी $100 में 31,200-300 के आसपास जो है शेयर्स ये मिल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं 2 साल में ही लगभग लगभग 50% शेयर का प्राइस बढ़ चुका है। इसी तरह से शेयर का प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे शेयर के प्राइस बढ़ने की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे जो है एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको $100 में 100 शेयर ही मिलेंगे। तो आज आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा शेयर इस कंपनी के ले सकते हैं, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। डिविडेंड आप एक पैसिव इनकम आप ले सकते हैं, डिविडेंड के बारे में मैंने आपको बताया। आईपीओ आएगा तो वहाँ एक स्टेबल इनकम है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है कम्युनिटी भी बना सकते हैं, आपको एक रेफर लिंक मिलेगा, आपके रेफर लिंक से जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से भी आप इनकम ले सकते हैं। आपके डायरेक्ट में जितनी भी आईडी जाएंगी उनका 10%, उसके बाद लेवल 2 से 5%, लेवल 3 से 2%, और लेवल 4 से 2% से कम, और इस तरह से आपको यहाँ पर जो कमीशन भी आप ले सकते हैं उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। $50 जो है मिनिमम कंडीशन है विड्रॉ करने की, तो $50 जैसे आपके होंगे तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों वीटर प्रोजेक्ट, वीटर प्रोजेक्ट की कंप्लीट जानकारी, वीटर प्रोजेक्ट की ये टेक्नोलॉजी। मैं इस समय दुबई में हूँ और मैंने इस प्रोजेक्ट को समझा है, देखा है, जो भी मैंने जाना है, तो रियल और जेन्युइन प्रोजेक्ट है दोस्तों। आप इसके शेयर्स को ज़रूर परचेज करें, बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। अलग अलग एक्सपोज में कंपनी भाग ले रही है, अलग अलग कंट्रीज के एक्सपोज में कंपनी जा रही है। अलग अलग कंट्री के एक्सपो में जाने से क्या फ़ायदा होता है, इसकी अवेयरनेस आती है। इसकी अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी, क्योंकि अभी बहुत सारी कंट्रीज ने इसके बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर दिया है, कंपनी ने 75 कंट्रीज में पेटेंट अप्लाई किया है, 75 कंट्रीज में से 20-22 कंट्री में कंपनी को पेटेंट मिल चुका है। इस तरह से कंपनी पेटेंट भी ले रही है ताकि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई अपना हक ना जमाए। तो पेटेंट टेक्नोलॉजी है, यूनिक टेक्नोलॉजी है, हवा से ही बिजली बनेगी आने वाले समय में, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ग्रीन एनर्जी के ऊपर हम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, ग्रीन एनर्जी ही हमारा फ्यूचर है, और कंपनी कंप्लीटली ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करती है। एक ऐसी बिजली है जिसमें किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं है, किसी भी तरह से जो है किसी को हार्म नहीं करती है। कंप्लीट ग्रीन एनर्जी के कंसेप्ट के ऊपर बनाया गया ये कंसेप्ट है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं, एक बहुत ही यूनिक और अच्छा प्रोजेक्ट आप सभी के सामने है। डिस्क्रिप्शन में आपको रेफर लिंक मिलेगा, रेफर लिंक के ऊपर क्लिक करें, 500 शेयर आपको फ्री मिलेंगे। रेफर लिंक के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे विट्रो और ग्रोथ दो ऑप्शन आएंगे, विट्रो के ऊपर क्लिक करके आप फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे, 500 शेयर विट्रो के फ्री मिलेंगे। उसके ऊपर उसके बाद अगर आप गोरोड के ऊपर क्लिक करके 500 शेयर गोरोड के ऊपर क्लिक करके फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करते हैं, सेम फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है आपको, तो 500 शेयर गोरोड के फ्री मिलेंगे। ये गोरोड प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये भी एक ग्रीन एनर्जी के ऊपर एक काल्पनिक सिटी का एक प्रोजेक्ट है। अभी इसको काल्पनिक ही बोलेंगे क्योंकि अब ये सिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, यहाँ पर भी पूरी सिटी में कोई पोल्यूशन नहीं, पूरी सिटी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करती है।
ये सब कुछ अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए वीटर प्रोजेक्ट की। और ये आप देख रहे हैं danishtaglin.com, ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस कंपनी की रेगुलर जूम मीटिंग्स होती है, जूम मीटिंग आप अटेंड कर सकते हैं। जूम मीटिंग का लिंक अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम, जगह का नाम और जूम मीटिंग के लिंक के लिए। जूम मीटिंग में आइए, अटेंड कीजिए, इसकी जानकारी लीजिए और इस कंपनी के शेयर्स को ज़रूर परचेज कीजिए दोस्तों, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है, बहुत ही अच्छी कंपनी है और इस समय मैं दुबई में इस कंपनी के हेड ऑफिस में ही हूँ जहाँ से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि ये ऐसी कंपनी जो एग्जिस्ट नहीं करती, पैसा लिया और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं कंपनी के CEO से भी मिला हूँ या कंपनी के ऑफिस में कंपनी के एम्प्लॉयज से मिला हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। वियतनाम में इसका जो पहला लाइसेंस है, 3 लाइसेंस वहाँ पर सेल हो चुके हैं, बात फाइनल हो चुके हैं, बहुत ही जल्दी वियतनाम में प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट होगा और आप सभी को इसकी जानकारी दी जाएगी। तो इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन वीटर प्रोजेक्ट की आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे जो रेड कलर का बटन उसको जरूर दबाएं। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ये था इस वीडियो में वीटर प्रोजेक्ट की जानकारी और टेक्नोलॉजी की। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते इंडिया।